छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले चरण का मतदान होने के बाद भी नक्सली अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आज भी नक्सलियों ने बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट किया, जिसमें 5 जवान समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं सर्च ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के दौरान नक्सलियों ने जमकर कहर बरपाया था, जहाँ उन्होंने कांकेर में गोमे और गट्टाकाल के बीच 6 सीरियल IED धमाके किए थे। वहीं बीजापुर के पामेड़ इलाके में पुलिस के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें 2 जवान घायल हुए थे। प्रथम चरण के चुनाव के दौरान तो सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया, लेकिन अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए नक्सलियों ने खलल डालने की कोशिशें तेज कर दी है। इसी के मद्देनजर आज उन्होंने बीजापुर जिले में बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया। बीजापुर से 7 किलोमीटर दूर बीजापुर घट्टी में नक्सलियों ने एंटी लैंड माइंस व्हीकल को अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में पहले चरण के मतदान के दौरान वहां तैनात जवानों को दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा था, इसी दौरान नक्सलियों ने विस्फोट कर दिया। इस घटना के बाद BSF जवानों और नक्सलियों के बीच गोलीबारी भी हुई। इस पूरी घटना के दौरान 5 BSF जवान समेत 8 लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को बीजापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सुरक्षा बलों का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 20 नवंबर को दूसरे चरण के लिए 72 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन उससे पहले सामने आ रही ये घटनाएं सुरक्षा बलों के लिए चेतावनी से कम नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।